पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता शोभन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई अपने दफ्तर ले गई। टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल-नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।